गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द थॉट ट्री. वी आर हेयर विद द हिंदू एनालिसिस ऑफ 16 फेब 2022. आर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इनटू इंग्लिश. तो आपको ये बताना है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन इसी साल के प्रीलिम्स के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन, उसको किसने ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश. ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी और सरोजनी नायडू. ठीक है. देन आर फर्स्ट न्यूज इज एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. इस न्यूज को हमने काफी बार डिटेल में डिस्कस किया है. रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशंस चल रही हैं, रशिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पे काफ़ी सारी अपनी मिलिट्री पोस्ट भी वहाँ पर इंस्टॉल की है, मिलिट्री फोर्स वहाँ पर इंस्टॉल की है. तो बेसिकली डिस्प्यूट क्या है, यूक्रेन में रशिया का कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहाँ का एक सी पोर्ट को वो लेना चाहता है क्योंकि वो फ्रीज नहीं होता विंटर्स में भी. तो उस इंटरेस्ट की वजह से रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन पे मतलब कैप्चर करके उस सी पोर्ट को ले ले. लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है. नाटो की ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी आके मेंबर बन सकता है ना. बट नाटो रशिया अपोज कर रहा है कि नाटो का मेंबर इसको मत बनाओ. अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो क्या होगा, तो रेपरकशंस क्या होंगे, तो ये होगा कि इन केस अगर रशिया से कोई एग्रेशन होता है, मिलिट्री एग्रेशन होता है यूक्रेन पे, तो नाटो के सारे अलाइज मिलके उसको रिटेलिएट करेंगे. दैट वुड बी अ थ्रेट टू रशिया. तो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन में जो इंडिया के सिटीजन्स रह रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनको एडवाइस दिए कि आप वहाँ से जितना जल्दी हो सके आ जाओ क्योंकि टेंशन्स कभी भी बढ़ सकती हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में. ठीक है. तो इंडियन गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग इंडियंस टू रिट्रीट फ्रॉम दी फ्रॉम यूक्रेन. देन वी हैव एंटी लिंचिंग बिल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है. यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल मॉब लिंचिंग के केसेस काफ़ी चल रहे हैं, है ना. तो मॉब लिंचिंग पे सेंटर का ऐसा कोई एसच लॉ है नहीं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने, चार स्टेट गवर्नमेंट्स ने मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट करते हुए, क्रिमिनलाइज करते हुए लॉज बनाए हैं. कौन कौन से हैं, झारखंड, राजस्थान, मणिपुर एंड वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं. तो यहाँ पर बात यह है कि क्या हमारे पास कोई सेंट्रल लॉ है, नहीं. सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देर वॉज नो सेपरेट डेफिनेशन ऑफ लिंचिंग अंडर दी आईपीसी. जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसमें लिंचिंग की कोई सेपरेट डेफिनेशन एज सच नहीं दी गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है. बट लिंचिंग इंसिडेंट्स कुड बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ दी आईपीसी. सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके लिए अलग से क्या जरूरत है आईपीसी में, क्योंकि अलग से डेफिनेशन दी नहीं है. लेकिन आईपीसी का जो सेक्शन 300 है एंड 302 है, इसके तहत आप मॉब लिंचिंग के केसेस से डील कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो डील विद मर्डर एंड मॉब लिंचिंग इज वॉट मर्डर ओनली. तो सेंटर का ये कहना है कि दीज केसेस कैन बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी विच पर्टेन्स टू मर्डर. सो दैट वॉज इन न्यूज. एंड अनादर न्यूज विच इज हेयर इज कि इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है. अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, इंडिया का इम्पोर्ट बिल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू रिलैक्सेस इन गोल्ड इम्पोर्ट्स. गोल्ड इम्पोर्ट्स कम होने की वजह से एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से. अच्छा, ये बात हमने बार बार अपने इकोनॉमिक सर्वे के हर चैप्टर के डिटेल्ड एनालिसिस में देखी है कि एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे अब इंडिया के बढ़ रहे हैं, है ना. इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस रिवाइव हो रही है. पैंडेमिक के टाइम पे जो हिट हुई थी, इट इज ऑन दी एक्सेलरेशन, ऑन दी ग्रोथ पाथ, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. ओके, सो बेसिकली इंडिया का इम्पोर्ट बिल इम्प्रूव हो रहा है, दूसरा एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं. जब हमारे पास इम्पोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, व्हेन इम्पोर्ट इज लेस बट एक्सपोर्ट आर, मतलब इम्पोर्ट इज लेस देन एक्सपोर्ट, इसको हम फेवरेबल ट्रेड कंडीशन कहते हैं. ऐसा नहीं है अभी कि इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट ज्यादा है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो अगर इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है दे बिकम ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो ये हमारे लिए फेवरेबल ट्रेड की सिचुएशन होगी. तो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, आपके ट्रेड जो है आपके फेवर में कब कहलाता है, जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो इम्पोर्ट कम हो. एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल डिमांड फॉर योर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स. और इम्पोर्ट्स क्या होते हैं,
डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, तो अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इसका मतलब आप अर्न कर रहे हो फॉरेन करेंसी विच वुड इंक्रीज योर फॉरेक्स रिजर्व्स, लेकिन अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करो तो आपको रीपे करना है, आपकी करेंसी बाहर जा रही है, करेंसी वीक होगी, ओके, सो दैट्स वाई हमारे पास फेवरेबल ट्रेड होना जरूरी है. तो एक होता है फेवरेबल ट्रेड जिसमें फेवरेबल ट्रेड में वी हैव एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट ओवरऑल, एंड इनफेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेड में वी हैव इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होता है, इम्पोर्ट बिल ज़्यादा होता है, तो उसको वापस रीपे करने के लिए बोरोइंग भी लेनी पड़ती है, बोरोइंग से हम डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं, सो इट इज़ बैड फॉर ओवरऑल इकोनॉमी, इट हैज़ बैड रेपरकशंस, बैड इम्प्लीकेशंस. सो हमको ये अच्छी न्यूज़ है कि धीरे धीरे इंडिया का ट्रेड फेवरेबल हो रहा है, राइट. देन सेकेंड न्यूज़ इज, ये एक टर्म न्यूज़ में मैंशन थी, तो आपको ये देखना, टर्म इज फेंसेडाइल स्मगलिंग, फेंसेडाइल स्मगलिंग. अब ये टर्म न्यूज में है, फेंसेडाइल ये क्या है बेसिकली, न्यूज में क्या था कि जो बीएसएफ के जवान हैं यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके लिए फेंसेडाइल की स्मगलिंग को रोकना एक बड़ा इशू बनता जा रहा है, ओके. जैसे आपने देखा होगा कई चीजों की, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, मेडिसिन की स्मगलिंग होती है, तो फेंसेडाइल स्मगलिंग न्यूज में है, तो दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम की फेंसेडाइल है क्या. तो फेंसेडाइल बेसिकली एक मेडिसिन है विच इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी जो होती है ना उसके ट्रीटमेंट में काम आता है. तो आपको पता होना चाहिए फेंसेडाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज वॉट, सो इट इज अ मेडिसिन, इट इज अ मेडिसिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ, ठीक है, फेंसेडाइल स्मगलिंग. ओके, देन वी हैव दिस न्यूज ऑफ गेमिंग एंड बैनिंग. ये एडिटोरियल में था आपके, एडिटोरियल सेक्शन में आपको मिलेगा. सो बेसिकली यहाँ पर फिर फंडामेंटल राइट की कंट्रोवर्सी आ जाती है कुछ गवर्नमेंट्स, जैसे अभी आपने देखा होगा, आप खुद भी अगर रियलाइज करते होंगे कि जो रमी वगैरह होता है ऑनलाइन, है ना, गैम्बलिंग भी होती है और गेम्स भी होते हैं, तो गैम्बलिंग में इंडिया का यूथ काफी अपना पैसा गंवा रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन भी हो रहे हैं, सुसाइड्स भी हो रहे हैं. तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये चाह रही हैं कि गैम्बलिंग को और गेमिंग को दोनों को बैन कर दें, है ना. तो ऐसा काम किया गया, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ऐसा लेजिस्लेशन लाया, लेकिन क्योंकि सारे लेजिस्लेशन आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो वहां की हाईकोर्ट ने जब इसको रिव्यू किया तो बात क्या निकल के आती है, पहले हम ये देखते हैं. अ लेजिस्लेशन बाय कर्नाटका विच अटेम्प्ट्स टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग को ही प्रोहिबिट कर रहा है पूरी, सिर्फ गैम्बलिंग को नहीं, सट्टे को नहीं, पूरी गेमिंग को, है ना, has failed under judicial scrutiny, लेकिन judicial scrutiny पास नहीं कर पाया, यानी it is unconstitutional. क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है कि गेम जो होता है ऑनलाइन गेम, है ना, आप अपने रिस्क पे खेलते हो, गेम में आपकी स्किल्स भी यूज होती हैं, ओके, गैम्बलिंग आप बैन कर सकते हो लेकिन गेमिंग बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी. आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, आपको जो ट्रेड करना है, जो ऑक्यूपेशन करनी है आप कर सकते हो, है ना, और आपको लिबर्टी है, आपकी प्राइवेसी है, आपको जहां पैसा लगाना है आप लगा सकते हो, जो गेम खेलना है खेल सकते हो. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने की बात हो रही है. द फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड, ट्रेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी. So the court has said, अब court ने क्या कहा ये देखते हैं. If objective was to curb the menace of gambling, menace का मतलब होता है आतंकवाद, ठीक है, threat, धमकी, ऐसे, तो gambling जो है वो develop होता जा रहा है बहुत ज्यादा, और gambling में youth का काफी जो potential है वो destroy हो रहा है. तो court ने कहा अगर आप gambling को रोकना चाहते हो, then government should prohibit activities that amount to gambling, not games of skill. तो government को ऐसी activities को रोकना चाहिए जो gambling कर रही हो, गेम्स ऑफ स्किल्स को नहीं रोकना चाहिए. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपकी गैम्बलिंग नहीं होती, सिर्फ आपकी स्किल डेवलप होती है गेमिंग से, है ना, आप लोग भी गेम्स खेलते होंगे. तो कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि आप गैम्बलिंग को रोकना चाहते हो तो ऐसी एक्टिविटीज को रोको जिससे गैम्बलिंग प्रमोट हो रही है. गेम्स को रोकने का क्या मतलब, जिनमें सिर्फ स्किल्स यूज करके लोग गेम्स खेल रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं अपनी, तो उसको रोकने से क्या मतलब. सो दैट्स व्हाई दिस एडिटोरियल आई हैव टेकन इन दिस एनालिसिस. आपको ये पता होना चाहिए कि गेमिंग और गैम्बलिंग का ये जो बैन वाला है, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन टू विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी.
ट्रेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी, आपको पूरा अधिकार दिया गया ना, आपको जो ट्रेड बिजनेस करना है वो आप कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, आपकी प्राइवेसी है वो, आप जहाँ पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो, आपको पूरी लिबर्टी है, कोई सा भी ऑक्यूपेशन आप फॉलो कर सकते हो. सो दैट्स वाई इट हैज बिन स्ट्रक डाउन फॉर बींग वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड लिबर्टी एंड प्राइवेसी. अब यहाँ चाइना से रिलेटेड एक न्यूज थी कि चाइना ने कैसे अपने जो डोमेस्टिक मार्केट को इतना डेवलप किया, एक वॉल बना ली, इंटरनेट वॉल नाम मेंशन्ड था. इंटरनेट वॉल से क्या मतलब है, चाइना ने जितनी भी ग्लोबल कंपनीज बनी, गूगल बना और जो भी बना है ना, तो इंटरनेट वॉल बना ली, उसका अपने यहाँ रेप्लिका बनाया, हर चीज की कॉपी बनाई, जैसे आज हमने डिस्कस भी किया था, तो हर चीज की कॉपी बनानी शुरू की, सबको बंद कर दिया अपनी इकोनॉमी में आने से और उनको रेप्लिकेट करना शुरू किया. ठीक है, तो अपने मॉडल्स बनाए और अपने आप को एक्सपेंड किया. तो न्यूज में यहाँ बात ये हो रही है, इफ वी कैन क्रिएट हाइपर लोकल एंड हाइपर रीजनल सर्विसेज, हम भी अगर इंटरनेट सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज में अगर ऐसा कर सकें, इंडिया अगर ऐसा कर सके, यहाँ पर क्या वर्ड मेंशन किया गया है, हाइपर लोकल एंड हाइपर रीजनल. यहाँ पर हाइपर क्यों बोला गया, चाइना ने हाइपर लोकलाइज किया अपने प्रोडक्ट्स को, हाइपर रीजनलाइज किया, किसी को ओपन नहीं करने दिया, जो भी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी री इंजीनियरिंग की और फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी ऐसे अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बनाया और किसी को टिकने नहीं दिया, अपने प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंड करने का मौका दिया. तो हाइपर रीजनलिज्म उन्होंने शो किया, हाइपर लोकलाइजेशन शो किया. अगर हम ये कर सकते हैं तो हम भी अपनी इकोनॉमी को कितना डेवलप कर पाएंगे, दैट इज द पॉइंट. इफ वी कैन क्रिएट हाइपर लोकल एंड हाइपर रीजनल सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी, ऐसा नहीं कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सर्विसेज को, ऑनलाइन सर्विसेज को, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को लोकलाइज करें, अपने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डेवलप उनको करने की कोशिश करें विद हाई क्वालिटी, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, ओके, विद बाय मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी एंड ग्रेट एक्सेसिबिलिटी. क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट सक्सेस तब होगा जब वो एक्सेसिबल हो. चाइना का क्या स्ट्रेटेजी है, चाइना आपको सस्ता माल देता है तो वो एक्सेसिबल ज्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट. सो एक्सेसिबिलिटी होना जरूरी है मार्केट कैप्चर करने के लिए. ऐसा नहीं है कि हमने डेवलप तो कर दी, वो है इतनी महंगी कि वो अफोर्डेबल नहीं है और एक्सेसिबल भी नहीं है, तो वो हमको नहीं करना. एक्सेसिबिलिटी दैट आर पोर्टेबल अक्रॉस आर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एक और बात यहाँ पर बोली है कि इट शुड बी पोर्टेबल अक्रॉस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हो, जैसे कोई एप्लीकेशन है, अब अगर सिर्फ वो एक ही लैंग्वेज में है तो क्या इंडिया में चल पाएगी, नहीं, क्योंकि इंडिया इज अ प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी. यहाँ पर हमको कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ट्राइबल, है ना. तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ बोली जाती हैं, ओके, लॉट मैनी लैंग्वेजेस. तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी हमको उनको अपनी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा. जैसे चाइना ने अपनी लैंग्वेज में किए डेवलप, ऐसे हम भी अपनी लैंग्वेज में करेंगे. और अपनी लैंग्वेज में डेवलप होने से क्या है, जब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसको एक्सेस कर पाएगी, जब इतने सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट कैप्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इन कंपैरिजन टू सच एन एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी जिसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ना हो, जो एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करती हो, तो वो ज्यादा चलने के चांसेस होंगे या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाले टेक्नोलॉजी के ज्यादा चांसेस होंगे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाले. सो दैट्स व्हाई पोर्टेबल एक्सेस अक्रॉस आर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वी आर लाइकली टू सक्सीड इन क्रिएटिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड. अगर हम ये कर पाए तो हम भी चाइना की तरह वी कैन बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट मार्केट. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की ही बात कर रहे हैं. एक वर्ड मैंने यहाँ पे आपको बोला था अभी, इंटरनेट वॉल चाइना ने क्रिएट की है ना, तो वो वर्ड आप मेंस में लिख सकते हो, इंटरनेट वॉल. जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस है, ऐसे चाइना ने हर जगह वॉल बनाने का काम किया है, इंटरनेट वॉल, इंटरनेट वॉल. इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल कंपनीज आ रही हैं, है ना, जो इंटरनेट से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक वॉल बन गई, सपोज दिस इज दी वॉल, है ना,
उनको आने नहीं दे रहे अपनी इकोनॉमी में, सेम टेक्नोलॉजी खुद बना रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया भी अगर ऐसा करने लगे तो हम भी इंटरनेट जायंट बन सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट जायंट बन सकते हैं चाइना के मॉडल को हम अगर ऐसा करें। लेकिन हमको उसमें क्या इंश्योर करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आप मेंस में लिख सकते हो, है ना। हमको उसमें इंश्योर करना है अगर हम हाइपर लोकल और हाइपर रीजनल सर्विसेज दें इंटरनेट की तो भी हम डेवलप हो सकते हैं, बट वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, हाई क्वालिटी, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अपॉन द क्वालिटी, एंड वी नीड टू इंश्योर ग्रेट एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, देन इट शुड बी पोर्टेबल अक्रॉस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इट शुड सपोर्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एंड देन वी कुड सक्सीड इन बिकमिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट मार्केट्स इन दी वर्ल्ड। सो दैट वॉज इट। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये तो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच हो गई, सो अ डिबेट कैन अराइज कि जैसे आपने देखा होगा WTO जो है, WTO का एम क्या है, लिबरलाइज करना ट्रेड को, ठीक है, लिबरलाइज करना। WTO में प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम्स को अपोज किया जाता है, तो यहाँ पर बात जब ऐसी हो रही है तो क्या ये प्रोटेक्शनिज्म नहीं है? कई बार प्रोटेक्शनिज्म जरूरी होता है ना। अगर वो आप उसको ईविल कहते हो तो इट बिकम्स नेसेसरी ईविल, ठीक है, क्योंकि हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो वी कैन नॉट ओपन अप टू एवरीवन। जिन कंट्रीज, जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो आके आपका मार्केट कैप्चर कर सकती हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन अगर आप डेवलपिंग कंट्री हो जैसे इंडिया है, और कुछ जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अभी भी कुछ एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो अगर वो अपना मार्केट खोल देंगी पूरा तो उनको, उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये बड़े बड़े जाइंट्स। तो प्रोटेक्शनिज्म भी एक नेसेसरी इविल आप कह सकते हो, जरूरी है। अगर हम खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो हमको पूरा इकोनॉमिकली कॉलोनियलाइज कर लिया जाएगा, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हो सकता है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। रही बात लिबरलिज्म की, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे US, वो अपने फेवर, अपनी कंडीशन के हिसाब से किसी भी कंट्री को डेवलप और डेवलपिंग बोलता है। जब US को ये लगता है कि कोई कंट्री किसी फार्म सब्सिडी को दे रही है या एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रही है, उसकी वजह से US का मार्केट अफेक्ट हो रहा है, तो वो बोलता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, उसको जरूरत ही नहीं है सब्सिडी देने की अपने फार्मर्स को। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये डेवलपिंग कंट्री है, उसके फेवर में, US के फेवर में अगर कोई बात जा रही है इंडिया को डेवलपिंग कंट्री कहने से, तो वो उसमें भी नहीं पीछे हटते कि नहीं इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है। तो कभी डेवलपिंग बोलते हैं, कभी डेवलप्ड बोलते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो इंडिया भी एक सोवरीन नेशन है, इंडिया को अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। अगर हम चाहते हैं कि हमको अपने डोमेस्टिक टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को पहले डेवलप करना है, अच्छे से अपने प्रोड्यूसर्स को डेवलप करना है, अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करनी है ताकि इनकम जनरेट हो और हम भी ग्लोबल लेवल पे अच्छा मार्केट डेवलप कर सकें, तो उसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट होना जरूरी है, वरना वील बी द विक्टिम ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। अगर हम खोल देंगे पूरा मार्केट तो हमको कॉलोनियलाइज कर लिया जाएगा। सिर्फ पॉलिटिकली या सिर्फ वॉर करके कोई आपको अपने कंट्रोल में नहीं करता, इकोनॉमिकली भी कर सकता है। जैसे आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा होगा, श्रीलंका की चेकबुक डिप्लोमेसी हमने काफी बार डिस्कस की है, चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी क्या है। चाइना पहले तो फ्रेंड, हम आपकी बेस्ट फ्रेंड है करके किसी भी कंट्री को उसकी एबिलिटी से ज्यादा लोन दे देता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी से ज्यादा लोन दे देता है। अब उसको पता है कि वो पे नहीं कर पाएगा तो पेनल्टी लगेगी फिर, ठीक है। तो चाइना इस तरीके से कॉलोनियलाइज करने की कोशिश करता है, चेकबुक डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं। अब आप पे अगर किसी कंट्री का बहुत ज्यादा लोन का बर्डन है तो आपको उसके सैंक्शंस मानने पड़ेंगे, है ना, आप उसके कंट्रोल में आ जाओगे। तो सिर्फ वॉर करना या पॉलिटिकल एग्रेशन या मिलिट्री एग्रेशन ही तरीका नहीं होता किसी को अपने अंडर में लाने का, कंट्रोल में करने का। चेकबुक डिप्लोमेसीज भी आजकल नया वेपन है, तो हमको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, वरना वी कुड बी इकोनॉमिकली कॉलोनियलाइज्ड। सो दैट इज अ डिबेट, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन था, आई होप आप सबने इसको कमेंट किया होगा इस आंसर, एंड इसी साल के प्रीलिम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। Who among the following is associated with songs from prison?
सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। अच्छा आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि गांधी जी इज वेरी फेमस फॉर राइटिंग फ्रॉम प्रिजन, है ना, वो प्रिजन से काफी चीजें लिखते थे, तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे। अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक नो, जवाहरलाल नेहरू नो, सरोजनी नायडू नायडू सॉरी सरोजनी नायडू नो, एम के गांधी। ठीक है, तो आंसर वुड बी सी, एम के गांधी, एम के गांधी ने ये किया था। ऐसे कई बार अगर कुछ फेमस ट्रांसलेशंस हैं, है ना, जैसे एंशंट में भी आप देखोगे महाभारत को किसी ने ट्रांसलेट किया है, या किसी तमिल लिटरेचर को संस्कृत में ट्रांसलेट किया है कुछ इम्पोर्टेंट, या भगवत गीता को किसी में ट्रांसलेट किया है, तो ऐसे ट्रांसलेशंस के ऑथर्स आपको पता होने चाहिए, फेमस ट्रांसलेशंस के खासकर, कि किसको किसने ट्रांसलेट किया, और फेमस बुक्स के। आपको इन क्वेश्चंस से ये ट्रेंड पता लगाना है कि कौन से एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। कोई भी बुक भी पूछी जा सकती है, मॉडर्न इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं कि दिस पर्टिकुलर बुक इज रिटन बाय होम, ऐसे करके, है ना। सो फेमस बुक्स अगर आप कहीं पढ़ते हो तो उनके ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। सो आंसर वुड बी सी, एम के गांधी। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है पूरा एनालिसिस, तो प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आ गए हैं, एक को छोड़ के, अभी वो भी जल्दी आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे का इतना डिटेल में हर चैप्टर का आपको एनालिसिस फ्रीली अवेलेबल मिल रहा है हमारे चैनल पर, और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब अस, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और कंटेंट डेवलप करने में। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।